वेलकम टू मेडिकल ओशन टुडे आवर टॉपिक इज़ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट बी एस एन सेमेस्टर फोर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है आस पी के लिहाज से और साथ साथ में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एम सी क्यूज के हिसाब से उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि वो आपको समझोगे तो आप लोगों को तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, एम सी क्यूज एज वेल एज आस पी लेट स्टार्ट करते हैं न्यूरोजिकल सिस्टम से फर्स्ट ऑफ आल हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे एम सी सी एम एस आर यह हमारे पास एक फार्मूला है इसमें हमारे पास एम मीन मेंटल स्टेटस सी मीन्स क्रीनियल नर्व एंड सी मीन से फंक्शंस एंड एम मीन्स मोटर फंक्शन एंड एस मीन सेंसरी फंक्शन And all reflexes. तो ये हमारे पास एक फार्मूले के तहत हम एक एक चीज पढ़ेंगे और आगे हम जाएंगे First, हम, अभी हम, mental status और, दोनों पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इनमी एंड फिजियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है health assessment को समझने के लिए न्यूरोजिकल सिस्टम कॉम सी एन एस भी कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स दो मेन हिस्सों में ये हमारे पास कंसिस्ट है नंबर वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नंबर टू पेरेफ नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है सी एन एस द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड्स यह हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से बना हुआ है कर बाई मेनेंजीज इसके ऊपर एक लेयर है उस लेयर को हम क्या कहते हैं मेनजीज कहते हैं थ्री लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट तीन लेयर है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज की उसकी प्रोटेक्शन के लिए और नरिशमेंट्स के लिए सब स्पेस अराउंड द ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड सिरब्रल स्पाइनस फ्लूड सबर स्पेस हमारे पास कहाँ पे होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द उसमें हमारे पास क्या होता है सिरब्रल स्पाइनस फ्लूड होता है द फ्लूड फील्ड स्पेस क्वेश्चन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ये फ्लूड क्या करते हैं उस जगह में जमा होते हैं और ब्रेन और स्पाइन कार्ड में अगर कोई क्वेश्चन होता है कोई मोमेंट होता है तो उस मोमेंट को एब्जॉर्व करने के लिए होते हैं ताकि वहाँ पर कोई इंजरी ना हो जाए बेसिकली बच्चों को ऊपर फेंकना बच्चों को अचानक छोड़ना इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके क्रीनल बोन्स जो आपके पास होते हैं सूचर जो आपके पास होते हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं तो इसलिए उसमें फिर इंजरी या बाकी उसमें मसले आ सकते हैं तो इसलिए बच्चों के साथ इस तरह नहीं खेलना चाहिए ब्रेन अब ब्रेन आपके पास क्या है लोकेटेड इन द्रीनियल केविटी ये आपके पास क्रीनियल केविटी में है एंड हैज थ्री मेजर डिविजन्स और उसके मेन तीन डिविजन्स है क्रीनियल कैटी आपके पास कहाँ पे है टॉप ऑफ द हेड हेड में आपके पास कौन सा है बिलो द फेस बैक ऑफ द फेस और हेड में क्या है आपके पास क्रीनल केविटीज है उसमें आपके पास तीन मेन पॉइंट्स हैं नंबर वन फोर ब्रेन फोर सिरिब्रम एंड डाइन सेफलान दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है सीरेब्रम एंड डाइन सेफलान उसके बाद आपके पास मेड ब्रेन है मेड ब्रेन के पास आपके पास हैंड ब्रेन है सिरिबिल्स मेडल ऑबलॉगेटा एंड पोंस ये आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं या सेरेब्रम्स डायफलान ब्रेन स्टीम एंड सेरेबिलम ये हमारे पास चार पार्ट्स हैं। इस चार पार्ट्स को हम पढ़ेंगे फर्स्ट आपके पास क्या है सेरेब्रम सेरेब्रम डिवाइड इन टू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड हुआ है जॉइंट बाय कॉर्पस कोलोसम कॉर्पस कोलोसम ने इसको जॉइन किया है बंडल ऑफ नर्व्स फाइबर्स responsible रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन हेमस्पेयर बंडल ऑफ नर्व फाइबर है जो रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेशन के बिटवीन हेमस्पेयर के इच हेमस्पेयर सेंस एंड रिसीव इंपल्स फॉर फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। हर एक हेमस्पेयर क्या करता है अपोजिट बेचता है राइट right साइड वाले लेफ्ट right को बेचते हैं लेफ्ट वाले राइट साइड को बेचते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था Each hemisphere consists of four lobes: frontal, parietal, temporal, and occipital. Four lobes आपके पास हैं. Frontal है, parietal है, temporal है, and occipital हैं. MCQs में आप किसकी anatomy आपसे पूछ सकते हैं. ASP में, sorry. Lobes are composed of substance known as grey matter. जो lobes हैं वो किस चीज़ पे मुझे मुझे Grey matter हैं. मीडियट्स हाइयर लेवल ऑफ फंक्शन सच एज़ मेमोरीज परसेप्शन कम्युनिकेशन एंड इनिशियंस ऑफ वलंट्री मोमेंट वॉलंट्री मोमेंट ये सब चीज़ें कौन करता है ग्रेमिटर की वजह से होते हैं लोब्स आपके पास कौन कौन से हैं फ्रंट लोब्स है पेराइटल लोब्स है ऑक्सेप्टल लोब है एंड टेम्पोरल लोब्स हैं अब फ्रंट लोब्स की क्या क्या फंक्शन है डायरेक्ट स्किलिटन एक्शंस कम्युनिकेशन इमोशंस इंटेलेक्ट, रीजनिंग एबिलिटी जजमेंट एंड बिहेवियर्स कंटेंट ब्रों का एरिया स्पीच ये आप लोगों से आसपी में पूछ सकते हैं कि मीन्स फ्रंटल रोब्स की क्या फंक्शन है डायरेक्ट स्किलेटन एक्शन करता है वो कम्युनिकेशन करते हैं इमोशंस एंड एक्टिविटीज रीजनिंग एबिलिटीज जजमेंटल एंड बिहेवियर और आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं ब्रों का एरिया स्पीच के लिए यूज होते कंटेन होता है पेराटल इंटरप्रेट सेंसेशन इंक्लूडिंग टच पेन टेंपरेचर शेप्स एंड टू पॉइंट डिस्क्रमिनेशन पैराटल में फिर क्या होता है टच होता है पेन होता है टेंपरेचर शेप्स एंड टू पॉइंट डिस्क्रमिनेशन पैराटल में हम देखते हैं एक्सेप्टल में क्या है स द एबिलिटी टू रीड एंडरस्टेंड्स एंड इज़ द प्राइमरी विजुअल रिसप्टर सेंटर इसमें क्या होता है एबिलिटी टू रीड एबिलिटी होती है कि वो पढ़ सके एंड अंडरस्टैंड और अंडरस्टेंड कर सकें एंड इज़ द प्राइमरी विजुअल रिसप्टर सेंटर प्राइमरी विजुअल रिसेप्टर सेंटर के हिसाब से पेटम्पोर क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटरी स्टेमोलाए

स्पेसिफिक एरिया इन दर्बुलर कॉटेक्स हाइपोटिमस रिस्पॉन्सिबल वाटर बैलेंस एपीटेट्स वाइटर साइन स्लीपाइकल पेन परसेप्शन एंड इमोशंस हाइपोटिनमस की क्या फंक्शन है बैलेंस करता है एपीटेट्स वाइटल स्लीपाइकल एंड पेन परसेप्शन एंड इमोशनल स्टेटस ये आप लोग आसपी में भी पूछ सकते हैं और इम सिक्यूर में भी आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं

सेरिब्रम को सेरिब्रम के साथ सेरिबेरियम को सेरिब्रम के साथ एंड मेड्रिंड को मेडुला के साथ फिर प्रीमोडुलर ब्लैंकेट रेगुलेट करते किस चीज को रेस्पिरेटिव फंक्शंस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ये आप लोगों को पास में भी पूछ सकते हैं फाइनल टर्म एग्जाम में भी आ सकते हैं इस तरह के एमसीक्यूस सेरिब्रम द सेरिब्रम लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेन स्टेम्स एंड अंडर द सेरिब्रम कोऑर्डिनेट एंड स्मूथिंग ऑफ वोलंटरी मूवमेंट्स

descending tracts reflex activities, sensory neurons afferent एंड मोटर एडवास afferent. इसमें आप लोगों ने जस्ट ये दो वर्ड सीखने हैं सेंसरी न्यूरॉन्स एफेरेंट को कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स एफेरेंट को कहते हैं दोनों की फंक्शंस क्या है लेके जाता है मोटर फंक्शंस करते हैं peripheral nervous system crying informations carrying informations to and from the cns contain 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves these nerves are categorized as two kind of fibers somatic carry cns impulse to voluntary skeletal muscle autonomic केर इज सी एन एस एम्पल्स टू स्मूथ इनवॉल्ट्री मसल हार्ट एंड ग्लेंड्स हार्ट और ग्लैंड आपके पास क्या है मसल क्या है मसलोलेंट्री मसल ऑटोनॉमिक स्केरी इम्पल्स करते हैं सोमेटिक आपके पास क्या है वॉलेंट्री जो स्केलेटर मसल हाथ को उठाओ हाथ नीचे करो ये आपके पास स्केलेटर मसल हुआ अब हार्ट को हम ना रोक सकते हैं और ना हम उसको डिले कर सकते हैं हार्ट हमारे पास एक ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो खुद अपनी मर्जी से चल रहा है समझ आ गए अभी आपके पास डिफरेंट क्रीनल नोट्स है ऑल्फ्रेटरी नर्व्स हैं सेंसरी तो ये आप लोगों ने याद रखने की इसमें कौन सा नोट्स की क्या है और उसकी फंक्शंस क्या है इसमें मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई उसमें आपके पास टेस्ट है वो आप लोग देख सकते हो लेकिन इसमें जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकते हैं आप लोगों को कि क्रीनल नर्व्स आपके पास क्या है और उसकी टाइप्स कौन सी है और उसकी फंक्शन क्या है अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आते तो आप लोग सिंपल आप लोग लिखते हैं अल्फ्रेटरी सेंस ऑफ स्मेल के लिए हम इसको यूज करते हैं या कैरी इम्पल्स फ्रॉम नेजल म्यूकोजा टू ब्रेन इसमें एक आप देख लो जो मेन है मीन सेंस ऑफ स्मेल्स के लिए हम यूज करते हैं और फ्रैक्टी इनफ है ऑप्टिक सेंसरी है तो इस मीन विजअल इक्विटी है तो इसमें हमारे पास विजुअल इम्पल्स आई टू ब्रेन लेके जाता है अक्लोमोटर आपके पास मोटर है आई मूवमेंट करता है आपके पास कंट्रेक्शन एंड डायलेशंस करता है आपके पास ट्रोकलियर मोटर है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोमेंट्स ऑफ आई बाल करते हैं ट्राइजिमिनल इन मोटर दोनों हैं ट्राइजिमिनल कौन से सिंसरी इन, इन मोटर्स मोटर उसकी क्या है कि पेन एम्पल्स लेके जाता है टम्परेचर्स को और मोटर उसके चीविंग्स और बैटिंग के काम आ सकते हैं एबड्यूश मोटर कंट्रोल लेटर मोमेंट ऑफ आईबाल लेटर मोमेंट ऑफ आईबाल को कंट्रोल करते हैं सेवन रो आपके पास कौन सा है फेशियल से नहीं फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट लेके जाता है सही? और फेशियल एक्सप्रेशन में स्माइलिंग फ्लोरिंग ये आ, करते हैं आपके पास फेशियल में और आपके पास कौन से करते हैं आपके पास ग्लास को फिर सेंसरी मोटर्स दोनों है दोनों की एबिलिटी आप लोग देख लो टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं कि कौन सा टेस्ट है आपके पास और गेग रिफ्लेक्स के लिए मोटर में क्या है गेग रिफ्लेक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गेग रिफ्लेक्स आपके पास किस से होती है ग्लास को फिर आपके पास सेंसरी इन मोटरस है सेंसेशन फ्रॉम द थ्रोट प्रोमोट स्वेलिंग मोटर आपके पास प्रोमोट मोटर ऑफ द शोल्डर एंड हेड रोटेशन हाइपोग्लोसिल आपके पास मोटर है इनवर्टेड टंग्स मसल देट प्रोमोट्स द मोमेंट ऑफ टंग अभी इसके लिए एक फार्मूला है और फ्रिक्टी ऑफ टेक अकलूमोटर टॉकलेट्राइजेमिन तो इसके लिए अपने फार्मूला आप खुद बना सकते हो ओ ट्राई टू एडमिनिस्टर फुल वेरी गुड वैक्सीन एट है मेरी मनी बट माई ब्रदर से बेड बॉय मेरी मनी तो ये इसके लिए फार्मूला है फॉर्मूला अपने साथ आप लोग याद रखो तो आप शॉर्ट क्वेश्चन भी रख सकते हो और आप पूछ सकते हो तो आपको माइंड में ये चीजें याद रहती है, 31 pairs आपके पास है। एट सर्वाइकल है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमिक नर्वस सिस्टम द इंटरनल हार्मोन्स ऑफ द बॉडी And nurse. Nurse, आप लोगों को पता है कि एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है इंक्रीज करते हैं पैरासिपथेटिक क्या करता है रिस्टोर करता है एनर्जी को फंक्शन को रिस्टोर करता है इन्वॉल्व होते हैं अब हेल्थ असेसमेंट के टॉपिक पे अब हम आ गए अब तक हमने जितना पढ़ा ये आपके पास जनरल था तो जनरल व्यू थी ये क्रीन इंडर्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप आज में पूछ सकते हैं क्यूज़ भी आ सकते हैं और आज में रिटर्न में भी आ सकते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आपके पास क्या है प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न डू यू हैव एक्सपीरियंस आप मरीज से पूछ लो कि आपका कोई एक्सपीरियंस है नमनेस दमनिस हो रही है कि नहीं टेंगलिंग्स एंड लॉज ऑफ़ फीलिंग्स टेंगलिंग हो रही है कि नहीं या लॉज ऑफ़ फीलिंग हो रही है कि नहीं डिफिकल्ट विध स्पीक विजन और हियरिंग किसी कोई डिफिकल्टी है आपको स्पीक में हियरिंग में या विजन में एनी फिजिकल डिजिबिलिटी कोई फिजिकल डिजिबिलिटी आपको है या नहीं है प्रॉब्लम विद कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है चेंज इन एबिलिटी टू रिमेंबर एबिलिटी में चेंज जो होता है उसको आप रिम्बर करते हो कि नहीं किसी एबिलिटी आपकी कम हो रही है या एबिलिटी आपकी हाइपर एक्टिव हो रही है उसमें कोई चेंज तो आपको बॉडी को नहीं लग रहा है शेकिंग एंड ट्रेमर्स ऑफ द हैंड एंड लेग्स शेकिंग एंड ट्रेमर्स मीन ट्रेमर तो आपके हाथों पर नहीं है हाथ तो नहीं हिल रहे हैं खुद से जो नॉन स्टॉपेबल हो प्रेजेंस ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन कोई एंजाइटी या डिप्रेशन तो आपको नहीं है सीजर्स झटके वगैरह तो नहीं है हेडेक हेडेक सर पे दर्द तो नहीं आता है डिफिकल्ट विद सॉलिंग डिफिकल्टी तो सॉलिंग नहीं होती मीन्स जब आप नवाला लेते हो तो उसको इसुफिक, में जाने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं होती तो ये हमारे पास डिफरेंट सेंसिट अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ हेडेक का अगर आपको सीवियर हेडेक है तो उसके तीन चार मसले हो सकते हैं एक ब्लड प्रेशर में भी ज़्यादा उसकी वजह से आपको हैडेक है तो उसमें नेक मसल के बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है दूसरा अगर फ्रंट पे है आपको है तो इट्स मीन्स आपको नज़र कम है आपका तो फोकस करना आपको मुश्किल होता है इसलिए आपको तो हेडक है या पूरे सर पे आप अगर आपको दर्द है तो इट्स मीज़ आपको डिप्रेशन है उसकी वजह से आपको तो दर्द है या आपके ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी सीवियर हेडक होता है तो उस सूरत में हम सिटी स्कैन या एम करते हैं फिर मरीज़ की हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं फास्ट हिस्ट्री फास्ट हिस्ट्री मीन्स आप मरीज से पूछेंगे कि प्रीवियसली आपको कोई हेड इंजरी तो नहीं हुई थी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल मीन्स आप बेहोश तो नहीं हुए थे एक ओरिएंटेड होता है एक होता है एक कॉन्शियस लेवल होता है ओरिएंटेड क्या है जो बच्चा जो बंदा आपको बताए कि आप कहाँ पे हो अब क्या टाइम है आपके साथी कौन है तीन क्वेश्चन आपसे पूछ लो टाइम अपना हम जी सी एस को चेक करते हैं गिलासो कोमा स्केल हम चेक करते हैं जी सी एस नॉर्मल हमारे पास फिफ्टीन बाई फिफ्टीन है डेथ पेशेंट की जी सी एस हमारे पास थ्री बाई फिफ्टीन है जीरो बाई फिफ्टीन नहीं है थ्री बाई फिफ्टीन है अब सेवन से अगर जी सी एस नीचे होता है कम होता है तो फिर हमारे पास मरीज़ के हालात अच्छी नहीं होती है फिर हम कोशिश करते हैं मरीज़ को हम वेंट पे डालें या मरीज़ हमारे पास सीरियस कंडीशन में होता है ऑटो एक्सीडेंट कोई व्हीकल की एक्सीडेंट तो नहीं हुई गाड़ी की कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गई फिजिकल और मेंटल चेंज कोई फिजिकली या मेंटली कोई चेंज तो नहीं आई फिज़िकल चेंज मीन्स फिज़िकली वो फ़िट नहीं है मेंटली मीन्स मेंटली वो फ़िट नहीं है है ज्यादा बोलता है बात नहीं कर सकता है खामोश रहता है आ, सही तरीके से बात नहीं समझता है कोई डिसीजन नहीं ले सकता है ये सब मेंटल में आ सकते हैं सीजर जट के वगैरह तो नहीं आ रहे फेंटिंग्स अचानक बेहोश होना कुछ टाइम के लिए कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश तो नहीं हुआ है कभी हेडिक ये सब हमारे पास क्या है पास हिस्ट्री इसके बारे में हम मरीज से पूछते हैं क्योंकि पास हिस्ट्री का मेन रोल होता है हमारे पास डायग्नोज में अगर पास हिस्ट्री आप बेटर तरीके से जानते हो तो आपको डायग्नोज में हेल्प मिल सकता है फैमिली हिस्ट्री डू यू हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है स्ट्रोक स्ट्रोक हमारे पास दो किस्म के एक आपके पास हेमरेजिक है दूसरा आपके पास स्केमिक है कोई स्ट्रोक तो नहीं है एपिलेप्सी कोई एपिलेप्सी तो नहीं है एपिलेप्सी में भी हमारे पास अक्सर बेहोश हो जाता है और मसले उसको आ सकते हैं ब्रेन कैंसर ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है उसको कैंसर हमारे पास दो किस्म के हमारे पास होते हैं एक मेलेग्नेंट है जो पूरी बॉडी में फैल सकता है दूसरा आपके पास बेनाइन है जो आपके पास पूरे बॉडी में नहीं फैलता है लेकिन फिर भी वो क्या है कैंसर है लेकिन उसका एक ट्यूमर बनता है ट्यूमर को हम हटाते तो मरीज फिर ठीक हो सकता है इक्विपमेंट्स ग्लव्स आपके पास होने चाहिए ये आपके आस पी में आपसे पूछे थे अगर आप न्यूरोलॉजिकल एग्जाम करते हो कौन कौन से अपने साथ सेओगे ग्लाउज चार्ट्स और न्यूज पेपर अपर क्लिप पेन लाइट कॉटन बॉल सबस्ट टू स्मेल एंड टेस्ट थंग डिप्रेसर एंड टूनिंग हमारे पास डिफरेंट टेन इक्मेंट है टेन इक्विपमेंट आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए अगर आज भी मैं आपसे पूछ सकती हूँ कौन कौन से इक्विपमेंट इसके लिए यूज कर सकते हैं अब मेंटल स्टेटस में हमारे पास क्या है ए बी सी आई ए में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम देखते हैं ग्रूमिंग ड्रेसिंग एंड हाइजीन पोस्टर एंड कोऑर्डिनेशन अपियरेंस में हम चार चीजें देखते हैं एक नंबर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो क्या कॉन्शियस है कि कॉन्शियस नहीं है ग्रूम ड्रेस एंड हाइजीन हम देखते हैं पोस्चर देखते हैं कुछ और लेट्स सी मेंटल स्टेटस में नंबर पे अपियरेंस है हमारे पास जनरल अपेरेंस हम देखेंगे मरीज की ऑब्जर्व ऑफ कॉन्शियसनेस उसमें अलर्ट अलर्ट का मतलब क्या होता है अप्रोप्रियट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टेमुलाए अप्रोप्रेट रिस्पांस देता है किस चीज को एक्सटर्नल स्टेमुलाय को बायर स्टेमुलाई को क्या करता है अप्रोपरीट रिस्पॉन्स देता है कन्फ्यूजन इन अप्रोपरीट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टेमुलाए कन्फ्यूजन का मतलब क्या है इनएप्रोप्रिएट सही रिस्पांस वो नहीं देता है किस चीज को एक्सटर्नल स्टिमुल आए को लेथार्जी ड्राउजनेस और इंक्रीज स्लीप टाइम ड्राउजनेस या इंक्रीज स्लीप टाइम उसका स्लीप टाइम बहुत ज्यादा है उसको हम क्या कहते हैं मीन्स हर टाइम उसको दिल करता है कि वो सो जाए बेड पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं लेथार्जी हम कहते हैं डिलिरियम

इंसिक्यूज uh, में भी आ सकते हैं और आस में भी आपसे पूछ सकते हैं कि मेंटल स्टेटस में अपियर में हम क्या क्या चीजें देखेंगे ग्रूमिंग एंड हाइजीन में टू ऑब्जर्व टाइम प्लेस एज एंड लाइफ स्टाइल में आप बहुत ज्यादा गर्मी है उसने कोट पहना है तो इस मीनस अजीब बात है गर्मी में कौन कोट पहनता है इस तरह बहुत ज्यादा सर्दी है उसने कुछ भी नहीं पहना है तो इसमें इस सब चीजों को हम देखते हैं इससे भी हमें पता चलता है हाइजीन का अपना ख्याल रखता है कि नहीं रखता है पोस्चर टू ऑब्जर्व लुक ऑफ इफेक्ट और डिप्रेशन हम उसके पोस्चर को देखें लुक को देखते हैं कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन में हम गेट को देखते हैं जैसे वो चलता है तो उसका कोऑर्डिनेशन है कि नहीं तो इसमें हम क्या देखते हैं गेट्स को हम देखते हैं बी नंबर पे हमारे पास क्या है बिहेवियर है क्या है बिहेवियर बिहेवियर में हम फेशियल्स को देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस को फेसल एक्सप्रेशन शुड बी कंसिस्ट विद एंडामोश होना बहुत ज्यादा गेंगरी और आई कंटेक्ट है या नहीं ये स्माइल है कि नहीं ये इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि मीनस आप हंसी की बात करते हो हंसता है कि नहीं आप रोने की बात करते हो रोता है कि नहीं इस तरह हम उसको ऑब्जर्व करते हैं गुस्सा है बहुत ज्यादा या क्या है उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है या बहुत ज्यादा खामोश है मूड एंड इफेक्ट इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द क्लाइंट इमोशन स्टेटस हम क्या करते हैं क्लाइंट की इमोशन स्टेटस को हम देखते हैं आर स्टेटस फॉर वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर हम क्या करते हैं इफेक्टिव स्टेटस हम देखते हैं कि वर्बल है या नॉन वर्बल बिहेवियर है उसके एक्सप्रेशन को हम देखते हैं उससे हमें पता चल जाता है ऑफ स्पीच स्पीच कट्रेस क्या यू इवालवेट द क्लाइंट्स कम्प्रहेंशन ऑफ एंड एबिलिटी टू यूज द स्पोकन लैंग्वेज हम क्या करतेट करते हैं क्लाइंट कम्प्रेंशन ऑफ एंड एबिलिटी टू यूज द स्पोकन लैंग्वेज। क्या होते हैं फ्लुएंसी, फ्लोएट है याविंग स्टेमर्स है फ्लुएंसी मीन्स फ्लोएट बिल्कुल जल्दी बोलता है uh, हिचकिचाता है नहीं बोलता है थे, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, हैविंग स्ट्रीमर एक बात करता है फिर रोकता है एक बात करता है रोकता है सरकमेशंस एफिया खामोश होता है पेराफेजिया वर्ड्स की समझ हमें नहीं आती हैं वर्ड्स सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं रेट उसका क्या है वॉल्यूम क्या है जल्दी जल्दी बोलता है आराम से बोलता है स्लो बोलता है तेज़ बोलता है तो ये सब उसकी स्पीच की कैटरिक हम देखेंगे उसके बाद कॉग्निटिव फंक्शंस कॉग्निटिव फंक्शन में जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि ओरिएंटेशन हम देखते हैं असेस फ्रॉम द क्लाइंट्स अवेयरनेस ऑफ पर्सन प्लेस एंड टाइम्स व्हाट इज योर नेम हु एम आई प्लेस वेयर आर यू व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस टाइम व्हाट डे दिस इज मंथ एंड ईयर ये हम क्या तीन चार चीजें हम उससे पूछते हैं कि ओरिएंटेड है कि ओरिएंटेड है टाइम पर्सन एंड प्लेस अटेंशन क्लाइंट एबिलिटी टू मैंट्रेशन अटेंशन आप जो बात कर रहे हो वो उसको समझ आती है या उसको समझ नहीं आती है वो आपकी बात को फोकस करता है या नहीं, नहीं करता है या किसी और चीज में वो बिजी है अटेंशन पाजम में वो अपने नेहस के साथ खेलता है बालों के साथ खेलता है तो मीन अटेंशन नहीं है फिर मेमोरी की हमारे पास टाइप्स टाइप्स ऑफ मेमोरीज ये आप लोगों को इम्सक्यूज में आ सकते हैं फाइनल टर्म के टेस्ट इमिडियट मेमोरीज बाय डिजिटल रिकॉल्स आपको आ सकते हैं कि डिजिटल रिकॉर्ड के लिए हम मेमोरीज करते हैं टू थ्री सिक्स नाइन क्या है वो रिपीट करो उसको जब वो रिपीट कराते तो उसको हम क्या कहते हैं इमीडिएट मेमोरी फिर दूसरा आपके पास आता है रिसेंट मेमोरी रिसेंट मेमोरी इज आफ्टर सेवरल मिनट्स और टू आवर्स उसमें क्या होता है सेवर मिनट्स से या हावर्स के बाद आप उसको रिकॉर्ड करते हो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर कब से आप इधर हो व्हाट वर यू केम हियर यहां आने से पहले आप क्या कर रहे थे आप किस टाइम उठे तो व्हाट डिड यू ईट फॉर द ब्रेकफास्ट टुडे आज सुबह आपने नाश्ते में क्या लिया था तश्मीज इस तरह की रीसेंट चीज़ें हम पूछते हैं कि कुछ मिनट्स पहले हो या कुछ घंटे पहले हो उस चीज़ें हम पूछते हैं इमीडियट में हम उसी टाइम पूछते हैं ये तो फ़र्क़ है इमिडियट एंड रिसेंट मेमोरीज़ में फिर रिमोट मेमोरीज उसमें कुछ डेज हो या ईयर हो कहाँ पे आप पैदा हुए थे आपने स्कूल कहाँ से पढ़ा था तो ये हमारे पास क्या है रिमोट मेमोरीज़ है तीन कस्म के इमीडिएट रिसेंट एंड रिमोट तीन कस्म है मेमोरीज़ के आस पी में भी पूछ सकते हैं और इम्सक्यूज भी फाइनल टर्म में आ सकते हैं फिर आपके पास इंटेलेक्चुअल फंक्शन है एब्सट्रेक एबिलिटीज टू तो असेस एब्सट्रेक्शन एबिलिटी आज तो तो द क्लाइंट टू गिव द मीनिंग ऑफ फेमिलियर प्रोवर्स आउट ऑफ फ्राई पेंस इन द फायर बर्ड्स इन योर इन हैंड्स इज वर्क टू इन दर्शे ये एक मुहावरा हम बताते हैं हम पूछते हैं कि उस मुहावरे के बारे में हम आप बताओ सही बहुत ज़्यादा मुहावरे हम यूज़ करते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में तो हम उसको वही बताएंगे कि उसके बारे में हम बताओ कि इसका क्या मतलब है तो इसमें क्या होता तो है एबिलिटी होती है इस एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी गिव फ्यू एक्सरसाइज टू असिस्ट द क्लाइंट कंप्यूटिंग्स एबिलिटी सब्सट्रैक्ट सेवन फ्रॉम हंड्रेड एट फोर एंड तो हम मरीज से पूछते हैं कि हंड्रेड से रिमूव लो कितने रह गए जी आप बताओ हम्म हाँ और के साथ 4 करो कितने हो गए सेवनटीन वेरी गुड इस तरह सही तो इसमें इस तरह की हम कुछ कैलकुलेशन uh, देते हैं अगर इस तरह वो नहीं समझते हम उसको आपके पास हंड्रेड रुपीज है हंड्रेड रुपीज में आपने फिफ्टीन uh, रुपीज का कोई चीज ले लिया तो कितने रह गए सही एटी फाइव तो इस तरह हम उसको बताएंगे इनसेट एंड जजमेंटल द क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिलीफ अबाउट नेचर ऑफ ऑफ हेज आर हर इलनेस वाई डिड यू डिसाइड टू कम हेयर वाई डू यू फील इज कॉजिंग योर प्रॉब्लम्स जजमेंटल इज अ स्किल्स फॉर इटिंग डिसीजन मेकिंग वट वुड यू डू एफ यू वर इन देर ब्रोकन अब हम उसकी जजमेंट देखते हैं अगर आप क्लास में हो क्लास में आग लगी तो आप क्या करोगे आप हॉस्पिटल में होस्पिटल में जल जल आए तो आप क्या करोगे उसकी जजमेंट हम देखते वो पहले क्या करता है डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे अपियरेंस द क्लाइंट अपियर टू बी एलोट एंड रिलैक्स With shoulder and back erect when standing or standing lying on the beds comfortably. Look neat and clean cloth and appropriate for the occasion and weather. Behavior. Client skin maintains good eye contact, smiles and frown appropriately, speech in the moderate tones, clear and with moderate peace, client is cooperative and friendly, express feeling appropriate or situation. Cognitive Client is aware about the time, person, and place. Client can recall recent events without difficulty. Immediate, recent, and remote memory is intact, intellectual, able to answer the questions based on sound, rational, abstraction, and कंप्यूटेशन एबिलिटी एंड एन टेक इस तरह हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे या इस तरह एक पैराग्राफ में भी हम कर सकते हैं द क्लाइंट अपियर टू बी एलर्ट एंड रिलेक्स विद शोल्डर एंड बेक एरे वेन स्टैंड आर सटिंग लाइंग ऑन द बेट कम्फर्टेबली मरीज आराम से बैठा था उसका बेक पे कोई मसला नहीं था का वगैरह नहीं था लुक नीट एंड क्लिन नीट एंड क्लीन था

सिचुएशन की तरह अप्रोप्रिएट फीलिंग वो डिस्कस करता क्लाइंट इज अवेयर अबाउट टाइम पर्सन एंड प्लेस टाइम पर्सन प्लेस के साथ वो क्या था अवेयर था क्लाइंट कैन रिकॉल रीसेंट इवेंट्स विदाउट डिफिकल्टी इमीडिएट रीसेंट एंड रिमोट मेमोरीज एंड टेक्ट थे उसके एबल टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन समेक इन कंप्यूटेशन एबिलिटी इज इन हाँ तो इस तरह हम करेंगे फिर आपको इसकी फाइंडिंग और ये हम नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट में फिर पढ़ लेंगे